नमस्कार दोस्तों, मैं आपका पत्रकार साथी कृष्ण कुमार। ताज़ा खबर में आपका स्वागत है। जैसा कि आप सब लोग जानते हैं, जिला पंचायत चुनाव के पहले चरण का मतदान हो चुका है और जो परिणाम सामने आए हैं वो बड़े ही अचंभित करने वाले हैं। भाजपा और कांग्रेस दोनों ही पार्टियों को ऐसे परिणामों की कतई उम्मीद नहीं थी, मगर जो परिणाम सामने आए हैं उसमें कांग्रेस ने हारी हुई बाजी जीत ली और भाजपा ने जीती बाजी अपने हाथ से निकाल दी। कांग्रेस ने 4 में से 2 सीटों पर ऐतिहासिक जीत दर्ज की है। भाजपा 1 सीट पर बड़ी मुश्किल से कब्जा जमाने में कामयाब रही और 1 सीट पर गोंडवाना गणतंत्र पार्टी की समर्थक प्रत्याशी ने अपनी जीत हासिल की है। अब सवाल यह है कि आखिर कांग्रेस ने हारी हुई बाजी कैसे जीत ली और भाजपा जीती हुई बाजी कैसे गंवा बैठी। देखिए, वैसे तो ये स्थानीय चुनाव हैं, बड़े मुद्दों का इन चुनावों से कोई लेना देना नहीं रहता, मगर इस चुनाव में भाजपा और कांग्रेस दोनों के लिए धान खरीदी एक बड़ा मुद्दा था। भाजपा इसे भुनाना चाहती थी और कांग्रेस इस मुद्दे को किसी भी तरह हावी नहीं होने देना चाह रही थी। धान के मुद्दे को इस चुनाव में क्या मायने थे, जरा ये तस्वीरें भी देख लीजिए। ये तस्वीरें जिला पंचायत चुनाव शुरू होने के दौरान की हैं। ऐसी तस्वीरें जनता को कभी कभार देखने को मिलती हैं, जब सियासतदार और प्रजा जमीन पर एक साथ बैठकर खाना खा रहे हों। मैं तो ये कहूंगा कि जब सियासतदारों को कोई बड़ी सफलता हासिल करनी हो तभी जनता को इस तरह की तस्वीरें देखने को मिलती हैं। ये तस्वीरें भाजपा नेताओं की देहो क्षेत्र में भात पर बात कार्यक्रम के दौरान की हैं। भाजपा के इस कार्यक्रम का मकसद धान खरीदी मामले में कांग्रेस से नाराज चल रहे किसानों को साधने का था। भाजपा ने कोशिश भी की, पार्टी के पूर्व सांसद, पूर्व संसदीय सचिव, वर्तमान विधायक, किसान मोर्चा के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष, जिलाध्यक्ष सहित इलाके के तमाम नेताओं ने इस कार्यक्रम में किसानों के साथ बैठकर खाना खाया, धान के मुद्दे पर किसानों की दुखती रग पर हाथ रखा और अपने पक्ष में करने की कोशिश की। मतलब भाजपा को यह मालूम था कि धान का मुद्दा ही इस बार उन्हें स्थानीय चुनाव में कांग्रेस से आगे निकलने का मौका देगा, क्योंकि देवभोग सहित पूरा बिंद्रा नवागढ़ विधानसभा इलाका इस बार धान खरीदी को लेकर सबसे ज्यादा प्रभावित हुआ है। किसानों ने जिला प्रशासन और सरकार के खिलाफ कई बार अपना विरोध प्रदर्शन भी किया। भाजपा इस बात से इतनी उत्साहित थी कि उसे मालूम था कि कांग्रेस के साथ किसान इस बार किसी भी स्थिति में नहीं जाएंगे और वो कहीं ना कहीं भाजपा के पक्ष में आएंगे। और फिर भाजपा ने अति उत्साह में टिकट वितरण से लेकर चुनाव प्रचार तक इतनी गलतियां की कि जीती हुई बाजी उसके हाथ से निकल गई। वहीं यदि कांग्रेस की बात की जाए तो कांग्रेस धान के मुद्दे से इतनी डरी हुई थी कि कांग्रेस समर्थित प्रत्याशियों ने इस बार अपने बड़े नेताओं तक की फोटो भी अपने बैनर में नहीं लगाई। यहां तक कि किसी भी प्रत्याशी ने खुद को कांग्रेस समर्थित होने का दावा तक नहीं किया और बड़ी चुपचाप तरीके से जनता की चौखट तक पहुंचकर हारी बाजी जीत ली। खैर, ये अभी एक पहले चरण के चुनाव नतीजों का परिणाम आया है, 2 चरण के नतीजे आने अभी बाकी हैं। देखते हैं भाजपा कुछ सबक लेती है या फिर कांग्रेस यहां भी बाजी मार ले जाती है। आपकी तरह मुझे भी 3 तारीख का इंतजार रहेगा, जब जनता जनार्दन प्रत्याशियों के लिए अपना अंतिम फैसला सुनाएगी। आज के लिए बस इतना ही, फिर किसी समाचार के साथ जल्दी आपके साथ हाजिर होंगे। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।